हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं विजय गुजर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी स्टेटस काउंसिल 2024 के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में। जब से डबल ए ट्रिपल सी वाली ऑल इंडिया काउंसिलिंग स्टार्ट हुई है, तब से इतने ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, जिसके कारण मैं वीडियोज़ भी नहीं टाइम पर बना पा रहा हूं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर काउंसिलिंग कब स्टार्ट हुई, तो इस बार कब एक्सपेक्टेड है। आप जो है डबल ए ट्रिपल सी के कारण इतने ज़्यादा भ्रमित ना हो, ठीक है। आपको रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लास्ट ईयर का जो शेड्यूल था गाइस, ठीक है, वो देखिए 15 सितंबर को शेड्यूल आया था और आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 20 सितंबर से, ठीक है। 20 सितंबर से एमपी आयुष काउंसलिंग लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी। और आपको पता है इस बार तो नीट की काउंसलिंग डिले चल रही है, क्योंकि नीट का जो भी स्कैम वगैरह हुआ था, इस कारण से एक महीने सब कुछ लेट चल रहा था। आप कैसे सोच सकते हो कि काउंसलिंग इतना जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि एमबीबीएस की जो डीएमई वाली काउंसलिंग है वो परफेक्टली एक महीना लेट चल रही है, ठीक है। तो आप लोगों के चक्कर में आके भ्रमित ना हो, टेंशन ना ले कि यार काउंसलिंग कहीं निकल ना जाए, कहीं पता नहीं हो हमें और पता लगे डबल ए ट्रिपल सी में ही स्टेट में एडमिशन हो जाए, है ना। बहुत लोगों को यही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि जो है डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू ही जो काउंसलिंग अभी 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पेपर में भी उसके बारे में आ गया था। हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और 2 तारीख को इसकी लास्ट डे है। तो भैया वो जो चीज़ है ना वो सही है, लेकिन वो डबल ए ट्रिपल सी जो कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग होती है उसके रजिस्ट्रेशन है। जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है उसका अलग से शेड्यूल आएगा, और उसके जो वेबसाइट है वो है एमपी आयुष काउंसलिंग। मैं एमपी आयुष काउंसलिंग की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी एक फेक आपको वेबसाइट दिख जाएगी, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी दिखेगा। वहाँ पर अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बहुत सारे एजेंट्स वगैरह के कॉल्स आ सकते हैं, क्योंकि वो फेक है, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्चुअल जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो एमपी आयुष काउंसलिंग की 2 साइट्स है। दोनों साइट्स में किसी पर भी, मतलब जो मेन साइट है वो तो यही सबसे ऊपर आ जाएगी उस पर, और जो सेकंड वाली है दोनों पर अपडेट सारे आते हैं। मैक्सिमम अपडेट जो है आपको फर्स्ट वाली साइट पर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन शेड्यूल क्या रहने वाला है और कैसा शेड्यूल होता है उसको हम बात कर देख लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 20 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, और देख सकते हो आप 26 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन हुए थे। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 21 तारीख से 27 तारीख तक चला था, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आपको मिलता है। क्या करना है, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जैसे कि मान लीजिए इस साल ही 20 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए इस साल का है, ठीक है, तो 20 से 26 तारीख के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करोगे उस दिन आपको एक सेंटर चॉइस करना होगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और वो सेंटर एमपी के जितने भी गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस है, जिनका मैं नाम भी बता देता हूँ, इंदौर में है, उज्जैन में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है, बुरहानपुर में है, जबलपुर में है, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस है। भोपाल में टोटल 3 कॉलेजेस है, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी। टोटल के सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 9 सेंटर्स है पूरे एमपी में, 9 में से कोई भी एक सेंटर आपको चॉइस करना है। और 21 तारीख से 27 तारीख के बीच की कोई सी भी एक डेट सिलेक्ट करनी है, और उसमें भी 2 शिफ्ट्स होती है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, तो एक कोई सी शिफ्ट चॉइस करनी है, और उस पर्टिकुलर डेट को उस सेंटर पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है। मैं लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बता रहा हूँ, ये मत अभी भी सोच लेना कि इसी बार का है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं, इसके बाद भी डाउट उनको आएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो 26-27 तारीख तक आपको कोई भी, मान लीजिए आपने 25 तारीख सेलेक्ट कर लिया, आपको 25 तारीख को आपने इंदौर सेंटर चॉइस करा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो आपको इंदौर को 25 तारीख को आना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाने। आपको यहाँ से एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगी, उसके बाद ही आपका नाम मेरिट में, अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाने सेंटर पर नहीं गए, तो आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका वेरीफिकेशन हो गया, आपको वेरीफिकेशन स्लिप भी मिल चुकी है, अब क्या करना है, अब जो है आपकी टोटल फर्स्ट राउंड में कितने कॉलेज को परमिशन मिली और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट है, सारी जो डिटेल है वो 27 तारीख को यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में 29 तारीख को यहाँ पर लास्ट ईयर का है, ठीक है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आपका एक मेरिट लिस्ट आएगी पूरे एमपी में, जितने बच्चों ने काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा ली, उन लोगों की एक मेरिट बनेगी और वही लोग जो है सेकेंड आप जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 29 तारीख को मेरिट लिस्ट आ गई, तो अब 29 तारीख से 2 तारीख तक आप लोगों को जो है चॉइस फिलिंग करना है, जिसमें कि आपको 50 रुपीज चार्ज भी लगेगा चॉइस लोग का। और रजिस्ट्रेशन का मैं बता दूं कि वहाँ पर आपको 500 चार्ज लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका, साथ ही अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट लगा, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं लगा था, उसके करेंट लास्ट ईयर लगा था, यानी 2022 में सिक्योरिटी अमाउंट लगा था, 2023 में सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगा, जो कि होता है एसटीएससी ओबीसी के लिए होता है 5,000 और जनरल कैटेगरी के लिए होता है 10,000। तो इस बार जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे, बता पाएंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 29 से 2 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग करना है,
उसके बाद में आपको अलॉटमेंट होगा कब, 5 तारीख को। 5 तारीख को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा और 6 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ पर एडमिशन चलते हैं। तो आपको इस प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगा, टोटल 20 दिन का टाइम लगा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने में। जब से स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से स्टार्ट हुए उस दिन से एडमिशन होने तक 20 दिन का आपको टाइम टोटल मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके की सारी प्रोसेस होती है। आपको एडमिशन के लिए 4 दिन का लगभग टाइम मिलता है, ठीक है, 3 से 4 दिन ऑलमोस्ट मिलता है। इसके बाद में आप मान लीजिए आपने एडमिशन करवा भी लिया तो भी आप जो है उसे 9 तारीख तक, उसी जब जो टाइम है 9 तारीख तक का, तब आप उसे कैंसिल भी करवा सकते हो। इसके बाद में मान लीजिए ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनने मान लीजिए इनको कॉलेज मिल गया बट वहाँ कॉलेज में गए, वहाँ पे पता लगा फीस बहुत ज़्यादा, हम फीस पे नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट राउंड में जाना, ये कॉलेज हम नहीं ले सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सेकेंड राउंड में जा सकते हैं नहीं जा सकते, ये भी आप लोगों का कन्फ्यूज़न होगा आगे जाकर। तो हाँ, आप लोग जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया वो तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जिन्होंने कॉलेज अलॉट होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया तो भी आप जो है सेकेंड राउंड में जा सकते हो। और डायरेक्ट जिनको कॉलेज मिलने के बाद अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। और मान लीजिए अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने एडमिशन नहीं भी लिया तो भी आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस है नेक्स्ट राउंड में जाने की, काउंसलिंग का ओवरऑल यही सारी प्रोसेस है। देखो यहाँ पर कुछ रूल्स भी है वो हम पढ़ लेते हैं। प्रवेश है तो इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद होमपैथ यूनानी महाविद्यालय में अपने विधक सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उपरोक्त काउंसलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा आपत्ति राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCISM, राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCH, नेशनल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, नई दिल्ली मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग से प्रवेश अनुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी निजी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय को सम्मिलित किया जाएगा। जी मतलब जिनको परमिशन मिल चुकी वही काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने वाले, वो सर कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको परमिशन नहीं मिलती है तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट राउंड के भारतीय चिकित्सा पत्ती राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग प्रवेश अनुमति हेतु लंबी शासकीय स्वशासी निजी आयुष महाविद्यालय को प्रवेश अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यानी उनको मान लीजिए फर्स्ट के बाद में अगर सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में परमिशन आ जाती किसी कॉलेज की तो वो उसी राउंड में पूरे फ्रेश 100 के 100 सीटों या जो भी 60 सीट अगर उनके 60 सीटों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सारी काउंसलिंग की प्रोसेस इस बार भी रहने वाली है। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूंगा। मैं पेड काउंसलिंग भी करता हूं जिसका चार्ज ओनली 250 रुपीज़ है। आप अगर पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उसमें आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी काउंसलिंग ही मैं करूं एडमिशन प्रोसेस तक आपकी सारी, जब तक आपका एडमिशन ना हो तब तक मैं आपकी हेल्प करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। उसका चार्ज ओनली 250 रुपीज़ है। 250 रुपीज़ जो है मैं काउंसलिंग में रिवोल्यूशन लाना चाहता हूं क्योंकि काउंसलिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा लोग 5,000 से लेकर 10,000-1,00,000 तक चार्ज करते हैं। जो सारी प्रोसेस हम 250 रुपीज़ में पे करते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पेड काउंसलिंग ना तो आप ले सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें, उन लोगों तक वीडियो स्पेशली जरूर शेयर करें जो कंफ्यूज है कि कहीं काउंसलिंग स्टार्ट तो नहीं हो गई है, ठीक है। हाँ, मैं एक्सपेक्टेड अगर डेट की बात करूँ, जैसे लास्ट ईयर 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था जबकि सब कुछ टाइम पर था, तो इस बार हम मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मतलब 20 से भी ज़्यादा लेट होगा या फिर मतलब सितंबर में हो गई नहीं, लेकिन हाँ इस लगभग 15 सितंबर से पहले तो स्टेट हाउस काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होने वाली है, इसके बाद ही होगी सितंबर में। मेरे को जहाँ तक लगता है सितंबर के मंथ में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल और होम्योपैथी वाला जो कि मेरा न्यू चैनल है। बहुत सारे वीडियोज़ जो है कॉलेजेस वाले, बहुत सारे ऐसे वीडियो से जो मैं मेडिकल वाला पर नहीं डालता हूँ सिर्फ होम्योपैथी वाला पर डालता हूँ, तो सभी लोग होम्योपैथी वाला को भी सब्सक्राइब कर ले, उसकी लिंक भी नीचे मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।